मी ऑडिबल? हेलो एवरीवन, क्या मैं आप सभी को सुनाई दे रहा हूँ? क्या मैं ऑडिबल हूँ? यस बोले हाँ। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रील जी कह रहे, लास्ट टू लास्ट क्लास में आपने 48 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिया था एंड लास्ट क्लास में डिस्कशन 51st क्वेश्चन से शुरू हुआ है। बेटा लोगों ने बोला कि 50 हो गए, तो मैंने 51 से शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, अगर 48 49 नहीं हुआ होगा तो वो भी करा देंगे। आज शाम को भी क्लास शेड्यूल्ड है, तो आज दो क्लास होगी क्या? यस, कल की क्लास में मैंने ये बात बताई भी थी कि अभी नवंबर के जितने भी दिन हैं उन दिनों में दो दो क्लासेस रोज होंगी, 10 बजे और 6 बजे, ताकि इस महीने की जो छुट्टियां रही हैं उसको हम बैलेंस कर पाए। ठीक है, तो ऑलराइट, वंस आई विल कॉल यू आई रेज माई हैंड। यार रेज माय हैंड वाला फीचर तो बहुत अच्छा है, बट बात करना ना थोड़ा लगता है कि मतलब चैट ठीक है, आई बिलीव दैट चैट से सारी चीज सॉल्व हो जाती है। जी बात करें हम लोग, बाकी लोग पसंद ही ना करें तो क्या फायदा। ठीक है, तो अभी आज बात नहीं करेंगे, आज पढ़ेंगे सिर्फ। चैट ओपन है आपके लिए, तो लेट्स, ड्यू टू अर्जेंसी, देखिए कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं हो सकती जिसमें बात करने की आवश्यकता हो। बालक आप चैट में लिखो, मैं उस क्वेरी को रिजोल्व करेंगे। अगर कोई पर्सनल इशू है तो क्लास पर्सनल इशूज के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ओके, सो लेट लेट मी स्टार्ट द क्लास। हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी की। डिविजिबिलिटी, ओके, डिविजिबिलिटी का मतलब है विभाज्यता है, ये बोलते हैं हिंदी में। इंपॉर्टेंट ये है कि भाई हमें अगर पूछा जाए कि एक नंबर दिया हुआ है और उस नंबर को हमें एक नंबर से डिवाइड करना है, तो वो डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी। इसके क्या नियम है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले है डिविजिबिलिटी बाई टू। टू से क्यों शुरू कर रहे हैं हम? क्योंकि यार नॉट ओनली टू, वन से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो वन की तो बात करने कोई फायदा नहीं है, वन सबका फैक्टर होता है, वन सबको डिवाइड कर देता है। तो डिविजिबिलिटी बाई टू की बजाय हम कहेंगे टू की पावर एन, कि कोई नंबर टू की पावर एन से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये अगर हमें पता करना है, जहां पर एन हमारा एक नेचुरल नंबर है। तो इसके लिए एक सिंपल सा नियम है, नेचुरल नंबर, कि आप उस गिवन नंबर के लास्ट एन डिजिट देखो। ठीक है, क्या करना है? लास्ट एन डिजिट देखो। इफ लास्ट एन डिजिट इज डिविजिबल बाई टू की पावर एन, देन नंबर इज डिविजिबल बाई टू की पावर एन। पूरा नंबर टू की पावर एन से डिवाइड। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जैसे मेरे पास मान लिया कोई नंबर दिया हुआ है, तो अगर मैं एन की वैल्यू को एक लूंगा, एन को अगर मैं वन लूंगा, तो हम बात कर रहे हैं दो से डिवाइड होने वाले नंबर की। तो हमें क्या देखना है वो बताता हूं। एन की वैल्यू अगर आपने टू ली, तो हम बात कर रहे हैं कि फोर से डिवाइड होने वाले नंबर की। एन की वैल्यू अगर मैंने थ्री ले ली, तो हम बात कर रहे हैं क्या, एट से डिवाइड होने वाले नंबर की। एन की वैल्यू अगर हमने फोर ले लिया, तो हम क्या कर रहे हैं, बात 16 से डिवाइड होने वाले नंबर की। यही तो बात कर रहे हैं। तो कोई नंबर दो से डिवाइड होगा या नहीं होगा, अगर ये मुझे पता करना है, तो मुझे जो नंबर दिया है 1 2 3 4, उसका लास्ट डिजिट देखना है। एन वन हो गया, तो आपको लास्ट डिजिट देखना है। ठीक है, लास्ट डिजिट देखना है फोर। लास्ट डिजिट जो फोर है, अगर ये टू से डिवाइड होगा, तो नंबर टू से डिवाइड होगा। वैसे टू से डिवाइड होने वाला नंबर देखने का तरीका और भी आसान है। कोई नंबर टू से कब डिवाइड होगा? जब वो नंबर इवन होगा, तो हम बोल सकते हैं इवन नंबर्स टू से डिवाइड होते हैं। फोर से डिवाइड कब होगा? जब लास्ट टू डिजिट फोर से डिवाइड होगी। ध्यान रखना, आपको सिर्फ लास्ट टू डिजिट देखना है। अगर फोर से डिवाइड करना है, तो चूंकि एन की वैल्यू आपने टू ली, तो लास्ट एन डिजिट यानी लास्ट टू डिजिट देखिए, फोर से डिवाइड हुआ तो नंबर डिवाइड हो जाएगा। आठ की बात कर रहे हैं, एन की वैल्यू मैंने थ्री लिया, तो टू की पावर थ्री 8 होता है, तो यहां पर हो गया आपका लास्ट थ्री डिजिट, आखिरी के तीन अंक। क्या देखना है आपको? लास्ट थ्री डिजिट यानी आखिरी के तीन अंक। अगर लास्ट थ्री डिजिट 8 से डिवाइड हो गया, तो नंबर 8 से डिवाइड होगा। एन की वैल्यू 16 ली हमने, तो हम कहेंगे लास्ट फोर डिजिट्स। अगर लास्ट फोर डिजिट्स किसी भी नंबर के डिवाइड हो जाए 16 से, तो वो नंबर 16 से डिवाइड हो जाएगा। एक और मजेदार बात है कि मान लिया नंबर डिवाइड ना हो, अगर नंबर डिवाइड नहीं हुआ, तो जो नंबर बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, मैंने एक नंबर आपके सामने लिखा, मान लिया 1 2 3 4 2। अब ये संख्या मुझे मान लिया 4 से डिवाइड करनी है, कि ये संख्या 4 से डिवाइड है कि नहीं है, डिविजिबल बाई 4 और नॉट। तो डिविजिबल बाई 4 है या नहीं है, इसे कैसे देखेंगे? आपको 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, तो मुझे आखिरी के दो अंक देखने हैं, यानी 42 देखना है। क्या 42 चार से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। 42 चार से डिवाइड होकर दो रिमाइंडर छोड़ता है। तो मजेदार बात यह है
कि एक तो आप ये जान गए कि ये नंबर चार से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 42 चार से डिवाइड नहीं हुआ। दूसरा आपको ये पता है, इस पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे अगर चार से तो रिमाइंडर भी दो ही आएगा, और वो इसलिए आएगा क्योंकि 1, 2, 3, 4, 0 डिवाइड हो जाएगा, प्लस 2 है ये नंबर। अगर ये संख्या डिवाइड हो जाएगी क्योंकि यहां अंत में 40 है, तो जो दो बचा यही ये दो रिमाइंडर के तौर पर आया है, तो दो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं, मान लिया 156816, और इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट मुझे करना है, डिविजिबल बाय 8 और नॉट, ये आपको अगर टेस्ट करना है तो आपको लास्ट थ्री डिजिट देखना है, क्योंकि 8 हमारा 2 की पावर 3 है, तो 3 यानी लास्ट थ्री डिजिट। अब आप 816 को 8 से डिवाइड करिए और आप कहोगे यहां पर चूंकि रिमाइंडर शून्य आएगा, यानी नंबर डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर को हम बोलते हैं शून्य है, कोई शेषफल नहीं बचा, नंबर डिवाइड हो गया, तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो चेक करने के लिए लास्ट थ्री डिजिट का, समझ में आ गया कि नहीं? तो 2 की पावर में एक स्पेशल पैटर्न है और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, क्लियर है या नहीं? बोलिए हाँ। 8 × 2 किया, क्यों किया भैया 8 × 2? दिनेश जी, 8 × 2 में आपके साथ धोखा हो जाएगा, आप गलती क्या कर रहे हो मैं बता रहा हूँ। दिनेश जी कह रहे हैं कि हम 16 को लिखेंगे 8 × 2, फिर 8 से डिविजिबिलिटी देखेंगे और 2 से डिविजिबिलिटी देखेंगे। मैं बता रहा हूँ आप गलत कहां हो जाओगे। एक नंबर 808 है, ये नंबर क्या है? डिविजिबल बाई 8 है कि नहीं है? यस और नो? एंड डिविजिबल बाई 2 भी है, बट ये भी ध्यान रखो ये नंबर है नॉट डिविजिबल बाई 8, 16। आपको समझ में आया कि आपकी थिंकिंग में कहां गलती है? 16 से कोई नंबर अगर डिवाइड हो रहा है तो ये बात सही है कि वो 8 से भी डिवाइड होगा, वो 2 से भी डिवाइड होगा, वो 4 से भी डिवाइड होगा, बट अगर एक नंबर 8 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नंबर 16 से डिवाइड होगा, गलत है ये। इसका कारण ये है कि जो नंबर 8 से डिवाइड होगा वो 2 से तो होगा ही होगा, ये कोई अलग अलग कंडीशंस थोड़े ना है। 8 का एक फैक्टर 2 होता है, अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 4 से भी डिवाइड होगा, इसका मतलब ये नहीं कि नंबर 32 से डिवाइड होगा। दिस इज अ रॉन्ग रीजनिंग। वो कहां एप्लीकेबल होता है? वो 2 को प्राइम नंबर में एप्लीकेबल होता है, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, और ये गलती आपको नहीं करनी है कि नंबर 8 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, तो नंबर 16 से भी डिवाइड होगा। नहीं, देयर इज अ कॉमन फैक्टर, 8 में 2 छुपा हुआ है, कोई नया फैक्टर आपको नहीं मिला, तो 8 × 2 = 16 नहीं होगा। 16 से डिविजिबिलिटी आपको अलग से देखनी पड़ेगी, लास्ट 4 डिजिट से देखनी पड़ेगी। अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3 एंड 9। तीन और नौ से अगर आपको कभी डिविजिबिलिटी देखनी हो तो आपको देखना होता है डिजिट सम। तो अगर मैं बोलूं डिविजिबिलिटी बाई 3, तो हम बोलेंगे डिजिट सम मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। अगर हम बोले डिविजिबिलिटी बाई 9, तो यहां हम बोलेंगे डिजिट सम मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। अगर डिवाइड नहीं हुआ तो वो रिमाइंडर होगा, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो जो बचेगा उसको रिमाइंडर बोलेंगे। जैसे मैंने एक नंबर लिया, मान लिया, और वो नंबर लिया 124, 124 को मैंने 3 से डिवाइड करना है। अगर ये करना है तो आप क्या करोगे, 4, 2, 6, 1, 7 डिजिट सम कर लो। डिजिट सम का मतलब होता है सारी डिजिट्स का योगफल, तो 4, 2, 6, 1, 7 बना, 7 को 3 से डिवाइड करेंगे, 7 3 से डिवाइड नहीं होगा तो नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन रिमाइंडर 1 आया तो इसका रिमाइंडर 1 हो गया। अगर कोई नंबर है 2, 3, 4, 5, 6, मुझे पता करना है नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, आप डिजिट सम करो, 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18 और 2, 20। 20 को 3 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना है, 3, 6, 18, 2, 9, 20, तो आंसर हो गया आपका 2। कोई नंबर है मेरे पास 1, 2, 3, ये नंबर 3 से डिवाइड है कि नहीं, डिजिट सम करिए, 3, 2, 5, 1, 6 बना, 6 को मैंने 3 से डिवाइड किया, डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आ गया 0, तो ये नंबर हमारा क्या हो गया, 3 से डिवाइड हो गया। तो डिजिट सम निकालना है, इसमें और भी अप्रोचेज हैं। ओके, प्लीज एक मिक्स प्रैक्टिस सेशन लाइए। प्रेरणा जी पहले पढ़िए, भूल रहे हैं कि कोई दवा नहीं है, सब भूलोगे, उसके लिए रिवीजन आपको करना है। ये बैच जो है टॉपिकल बैच है, जिसमें हमें टॉपिक वाइज चीजों को खत्म करनी है, रिवीजन की जिम्मेदारी आपकी है, वो आपको करना पड़ेगा अच्छे से। मिक्स प्रैक्टिस आप खुद से करिए, अभी पढ़िए। आज अरिथमेटिक का प्रैक्टिस सेशन है ना, प्लस क्लास है, प्लस की बातें करो, पढ़ो चुपचाप, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, दिल से पढ़ो। हाँ जी, भटके रहते हो तुम लोग, जूते वाली कहानी याद है, भूल गए। जीवन में सिर्फ भटकाव से बच जाओ ना, पता नहीं कहां पहुंच जाओगे तुम, लेकिन मन ऐसा, मन का नेचर ऐसा है कि भटका रहता है बेचारा।
वही तो जीवन की विडंबना है। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ उस पर सवाल पे। अब देखिए, डिजिट सम करते समय बहुत सारी चीजें हैं जिस पे मैं बात करूंगा, सब जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, जहां तीन तीन दिखे उसको काट भी सकते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ऐसे सेम चीज नौ के लिए करना है, मैं दोबारा नहीं करने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं एक सामने आपके एक नंबर लिखूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें पूछो 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप सारी डिजिट का सम करके 9 से डिवाइड कर लो। एक तरीका ये भी होता है कि 9 जहां दिखे हटा दो, डिजिट में जहां जहां 7 2 9 दिख रहे हैं हटा दो, 5 4 9 हटा दो, 6 3 9 हटा दो, अब क्या बचा, 8 1 9 हटा दो, 0 बना, कुछ बचा ही नहीं, तो इसका आंसर होगा 0, यानी कट जाएगा नंबर। तो जब डिजिट सम की हम बात करते हैं और बाद में हमें 3 से डिवाइड करना है या बाद में हमें 9 से डिवाइड करना है, तो हम डिजिट्स के उन कॉम्बिनेशन को जिनका सम 3 है या 9 है पहले ही हटा सकते हैं, दैट मेक्स थिंग्स लिटिल इजियर। जैसे मैं यहाँ 9 से डिविजिबिलिटी अगर चेक कर रहा हूँ, तो जहां जहां 9 का सम बने, जैसे 9 हटाया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ ताकि आपको बात समझ आए, पहले मैंने 9 हटाया, 9 से ही डिविजिबिलिटी देखनी है, रिमाइंडर देखना है 0 है कि नहीं है, तो मैंने पहले ही 9 हटा दिया, क्योंकि 9 9 से डिवाइड होकर 0 रिमाइंडर देता है। फिर मैंने 5 4 9 हटाया, फिर मैंने 6 3 9 हटाया, फिर मैंने 7 2 9 हटाया, फिर मैंने 8 1 9 हटाया, तो सारे मुझे जो कुछ पेयर्स मिल गए जिनका सम 9 है और एक 9 अकेला था, तो सब जब हट गए तो बचा 0, तो 0 0 ही रिमाइंडर देगा, तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो गया। ठीक है, लाइक दैट, ये काम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ रिमाइंडर बचेगा तो उसको हम बोलेंगे कि ये रिमाइंडर है। ओके, अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 5। डिविजिबिलिटी बाई 5, डिविजिबिलिटी बाई 5, 5 से डिविजिबिलिटी अगर निकालनी है तो आपको देखना है कि यूनिट डिजिट नंबर का यूनिट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 0 हो या 5 हो तो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। रिमाइंडर कैसे निकलेगा, रिमाइंडर भी यूनिट डिजिट से निकलेगा, जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है वही रिमाइंडर का रूल होता है। अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा, यूनिट डिजिट से, यूनिट डिजिट्स को 5 से डिवाइड कर लीजिए, जो नंबर बचेगा उसको रिमाइंडर बोलेंगे। जैसे मेरे पास एक नंबर है, मान लिया 1 2 3 4 4, और मैं बोलूँ कि मुझे बताओ इसका रिमाइंडर क्या है, 5 से डिवाइड करूँ तो क्या रिमाइंडर आएगा, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है 4, तो रिमाइंडर क्या हो गया, 4, क्योंकि 5 से 4 खुद ही छोटा है, 5 से 4 खुद ही छोटा, 4 रिमाइंडर हो गया। मैंने आपको नंबर दिया एक 1 2 3 4 7, इसको मैंने कहा 5 से डिवाइड करेंगे क्या रिमाइंडर आएगा, आप ये 7 पकड़ लो, 7 को 5 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर क्या आएगा, 2, 2 आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल है। डिविजिबिलिटी बाई 6, डिविजिबिलिटी बाई 6, 6 से जब डिविजिबिलिटी देखनी है तो 6 को हम दो ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं जो को प्राइम है, को प्राइम में कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता है, तो अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 2 से भी होगा एंड 3 से भी होगा। डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 एंड डिविजिबल बाई 3, राइट, डिविजिबल बाई 2 एंड डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 2 एंड डिविजिबल बाई 3, राइट। तो अब क्या करेंगे, मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा, 16 के केस में बता रहे थे कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां मैंने ये भी बताया कि क्यों नहीं कर सकते हैं, मैंने ये बताया कि 8 में ऑलरेडी 2 है, तो तुम जब 2 से अलग से देख रहे हो तो कुछ नया नहीं मिला आपको, या 8 वाला ही मिला, यहां 2 में 3 नहीं है, 3 में 2 नहीं है, दे आर को प्राइम नंबर्स, जब को प्राइम नंबर्स हैं तो फैक्टर्स क्या है, कॉमन नहीं है कोई एक के अलावा, तो प्रोडक्ट लेके आप डिविजिबिलिटी कर सकते हो। 16 में 8 इंटू 2 में 8 में ही 2 छुपा दिए, कुछ नया फैक्टर नहीं है जो आप प्रूफ कर रहे हो, जब नंबर को प्राइम है तो ये किया जा सकता है। तो अब इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो पहला कंडीशन है कि नंबर हमारा इवन नंबर हो, क्योंकि इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है, एंड डिविजिबल बाई 3 हो। अब डिविजिबल बाई 3 की कंडीशन तो मैं पता ही है क्या है, आप बस देखो 6 से अगर डिविजिबिलिटी मुझे देखनी है तो मुझे देखना है कि मेरा नंबर एक इवन नंबर हो और डिविजिबल बाई 3 हो, नंबर इवन हो, डिविजिबल बाई अगर 3 हो गया तो वो नंबर 6 से डिवाइड हो गया, इवन नंबर देख के हम 2 से डिविजिबिलिटी सिद्ध कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यस, ओके, कमिंग नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाई 7। अब देखो एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहां ऐड करूंगा बिफोर आई टेक यू टू डिविजिबिलिटी बाई 7, ये 7 9 11, 7 9 11 का जो प्रोडक्ट होता है ये 1001 होता है, इसको याद रखिए सबसे पहले। तो अगर मैं इसको याद रखूं तो इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा फिर कि अगर एक 3 डिजिट का मैं नंबर ले लूं एबीसी और उसको मैं 1001 से गुणा कर दूं तो ये संख्या बन जाती है एबीसी, एबीसी सेम डिजिट्स क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है, दे आर रिपीटेबल डिजिट्स।
अब मजेदार बात देखो क्या है यहां पर, ये संख्या मेरी किससे डिवाइड होती है, ये संख्या मेरी 7 से डिवाइड होती है, होती है कि नहीं होती है? यस, बिकॉज मैंने 1001 से मल्टीप्लाई किया तो मेरी संख्या 7 से डिवाइड हो गई। क्लियर है कि नहीं? तो एबीसी को अगर आप 1001 से गुणा करोगे तो आपको जो नंबर पैटर्न मिलता है वो मिलता है एबीसी एबीसी, सेम डिजिट्स रिपीट हो जाती है। एक चीज आपको ये समझनी है आज के बाद, क्या ये 7 9 11 होती है? जी नहीं, 7 9 11 नहीं होती, बल्कि 7 11 13 होती है। मैंने यहां पर गलत लिखा है, 3 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स होते हैं 7 11 13, इनका प्रोडक्ट 1001 होता है। तो मैं बात अगर करूं कि मुझे कभी भी एक ऐसा नंबर दे दिया जाए जिसमें डिजिट्स का रेपिटेशन है, 3 3 डिजिट रिपीट हो रही है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक नंबर है 123 123, एबीसी एबीसी रिपीट हो गया, तो ये नंबर 7 11 13 तीनों से डिवाइड होगा। तो एक तो ये स्पेशल पैटर्न है जो आपको देखना है कि अगर नंबर रिपीट हो गया, 3 3 डिजिट रिपीट हो गई, तो नंबर 7 11 13 से भी डिवाइड होगा और ये नंबर मेरा 1001 से भी डिवाइड होगा, इनका प्रोडक्ट। ये नंबर मेरा 77 से भी डिवाइड होगा, 143 से भी डिवाइड होगा, बिकॉज 11 × 13 143 है, ठीक है, एंड देन 13 97 91 से भी डिवाइड होगा। तो ये स्पेशल नंबर है जो आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू कीप दिस नंबर इन योर मेमोरी फॉर नाउ, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? विल डू लॉट ऑफ थिंग्स अगेन। देन 7 से डिविजिबिलिटी क्या है, 11 से डिविजिबिलिटी क्या है, 13 से डिविजिबिलिटी क्या है? 7 से डिविजिबिलिटी का नियम थोड़ा अजीब है, इसको अभी नहीं समझाऊंगा मैं, कुछ सवाल करेंगे इसके बाद समझेंगे। 11 से डिविजिबिलिटी बहुत आसान है, तो अभी मैं 11 से डिविजिबिलिटी आपको पढ़ाऊंगा। 13 भी थोड़ा अजीब है, इसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट भी है जिसके थ्रू डिविजिबिलिटी देखी जा सकती है, और एक कुछ शॉर्टकट तरीका भी है जिससे देखी जा सकती है, इसकी चर्चा मैं अभी थोड़ी बाद में करूंगा आपसे। पहले मैं आपसे बात यह करूंगा कि भाई 11 से डिविजिबिलिटी कैसी होती है। 7 13 अभी छोड़ेंगे, अभी थोड़ा बुद्धि का विकास हो जाए तुम्हारा, फिर बताऊंगा मैं। तो डिविजिबिलिटी बाई 11 देख लो पहले क्या होती है, डिविजिबिलिटी बाई 11, डिविजिबिलिटी बाई 11 देखो क्या होता है। 11 से डिविजिबिलिटी अगर आपको देखना है तो क्या क्या करना होता है, मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा, मान लिया 576 और 783, और मैंने कहा बताओ ये नंबर 11 से डिवाइड है कि नहीं है। तो बिफोर आई कम टू दैट, मैं एक नंबर ऐसे लिख रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ, ओके। तो यहां करते क्या है, आपको क्या करना है 11 से डिविजिबिलिटी में, अल्टरनेट प्लेसेस मार्क कर लो आप। ये अल्टरनेट प्लेसेस हुए, एफ लिया, फिर ई छोड़ा, फिर डी लिया, फिर सी छोड़ा, फिर बी लिया, इसको बोलते हैं अल्टरनेट प्लेसेस। फिर एफ डी बी का सम कर लो, तो आपको मिलेगा एफ प्लस डी प्लस बी माइनस जो बचा हुआ है ई सी ए, इसका सम कर लो, इनका अंतर निकालो। ये जो अंतर है ये या तो जीरो आए या मल्टीपल ऑफ 11 आए, यानी अंतर या तो जीरो हो या 11 से डिवाइड हो जाए, राइट, या तो डिफरेंस जीरो हो जाए या अंतर आपका 11 से डिवाइड हो जाए, इन दोनों केसेस में नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे नंबर आपके सामने लिखा है तो आपको अल्टरनेट प्लेस क्या बनेगा, 3 7 10 10 7 17, तो आप यहां पर लिखिए 3 + 7 + 7 माइनस 8 6 14 14 5 19, 8 6 14 14 5 19, तो आपको 7 7 14 3 17 17 - 19 क्या आया, -2। ये -2 ना तो 11 का मल्टीपल है, जैसे -11 होता तो कहते हो गया डिवाइड, -22 होता तो कहते डिवाइड हो गया, 0 होता कहते डिवाइड हो गया, -2 है तो डिवाइड नहीं हुआ, क्लियर, नॉट डिविजिबल। समझ में आई बात कि नहीं, क्या बोलोगे आप कि ये नॉट डिविजिबल है। लेकिन अगर यही नंबर मैं ऐसे लिखूं, मान लिया लेट से एक नंबर लिख रहा हूं 6 9 6 8 8 3, इस नंबर को देखना, 8 3 11 9 20 बना और 8 6 14 6 20 बना, देखो 8 3 11 9 20 बना और 20 बना, 20 - 20 क्या हो गया, 0, तो ये नंबर डिवाइड हो गया, ये नंबर आपका डिविजिबल है और ये नंबर डिविजिबल नहीं है। बात समझ में आई मेरी, सिंपल है। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ डिजिट अल्टरनेट प्लेसेस पे इक्वल होनी चाहिए? नहीं, जैसे आप 7 डिजिट का नंबर ले लो, आप जैसे आपने नंबर ले लिया 7 8 9 4 2, इसमें 5 ही डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर 9 2 11 बना तो 9 2 11 7 कितना हुआ, 11 7 18 हुआ, -8 4 12 हुआ, इसका अंतर निकाला मैंने, 7 आ गया, नॉट डिविजिबल। क्या आया, नॉट डिविजिबल, राइट। ये नंबर मैं ऐसे लिखूं आपका 7 9 8 9 2, देखिए ध्यान से, अल्टरनेट प्लेस किया हमने, 8 2 10 7 17 आया और यहां 9 9 18 आया, 17 - 18 - 1 आया, आपको गया नॉट डिविजिबल, यस और नो, यस। बहुत सिंपल तरीका है, मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, 12 - 18 6 लिख लो, 7 मैंने गलती से लिख दिया, बात ये कि डिविजिबल नहीं है। आपको मैं चेंज करूं नंबर 6 8 9 8 9 2, देखिए आपको 8 2 10 8 18 18 - 18 जीरो आ गया, तो ये डिविजिबल हो गया। तो ये मैटर नहीं करता है कि मेरे पास डिजिट्स कितनी हैं, मैटर ये करता है कि मुझे अल्टरनेट प्लेसेस को जोड़ लेना है
जो बचा उसको जोड़ देना है, अंतर निकालना है अगर 11 से डिविजिबल है, 11 का मल्टीपल है तो हो गया, राइट। दूसरी जो बात आपने सीखी है वो ये सीखी है यहाँ पर कि अगर मेरे पास दो क्यूब पैंगल, जैसे मान लिया मेरे को देखना है कि नंबर कोई 24 से डिविजिबल है कि नहीं, कोई नंबर मेरा 24 से डिविजिबल है कि नहीं, डिविजिबल बाई 24 है कि नहीं है। 24 को आप ऐसे तोड़िए जिससे आपका, ये मत तोड़िएगा 6 × 4, ये गलत है। 6 से डिविजिबिलिटी, अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड होता है और कोई नंबर अगर 4 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 24 से डिवाइड होने की गारंटी नहीं है, क्योंकि दोनों को प्राइम नहीं है, फैक्टर कॉमन है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे तोड़ दो कि 8 और 3 में तोड़ दूं मैं, क्योंकि ये दोनों को प्राइम है, तो मैं ये बोलूंगा कि नंबर 24 से तब डिवाइड होगा जब वो डिविजिबल बाई 8 हो, डिविजिबल बाई 8 हो एंड डिविजिबल बाई 3 हो। अगर ये आप प्रूफ कर दो एंड के साथ, तो ये नंबर 24 से डिवाइड हो गया। तो ये बात ध्यान रखना, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है डिविजिबिलिटी बाई 72, डिविजिबिलिटी बाई 72। अब 72 को आपको कैसे ब्रेक करना है, दो को प्राइम नंबर्स, 8 × 9, ये डिविजिबिलिटी बाई 72 हो गई। एक सेकंड दीजिएगा प्लीज भाई। एक मिनट दीजिएगा, मैं तो जस्ट मिनट प्लीज, एक मिनट दीजिएगा। हेलो, इट इज कंपलसरी 24 इज डिवाइडेड बाय बोथ नंबर इफ ओनली डिविजिबल बाय 8 देन। अमन बहुत सिंपल है यार, आप जो सवाल करो, आप करो कि 8 से डिवाइड कर दें तो नंबर क्या 24 से डिवाइड, कैसी बातें कर रहे हो। एक नंबर ले लो 16, 16 8 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0, तो ये 24 से डिवाइड कैसे होगा भाई। 24 से डिवाइड करने के लिए आपको 8 × 3 प्रूफ करना पड़ेगा ना, 3 भी तो हो उसमें। कोई नंबर जो 8 से डिवाइड होगा वो 24 से डिवाइड कैसे होगा, वो तो तभी प्रूफ कर पाएंगे जब 8 और 3 देखेंगे हम। ओके, ऑल राइट, तो होप यू अंडरस्टैंड। जैसे एग्जाम में आता है डिविजिबिलिटी बाई 88, 88 इज 8 × 11, ये दोनों को प्राइम है। 8 से देख लो, 11 से देख लो, बात बन जाएगी। दोनों की अलग अलग कंडीशंस आपको पता है। अभी 7, 13 मैंने छोड़ दिया, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है। अब जरा सवाल पे आते हैं, कुछ थोड़े बहुत सवाल करते हैं, थोड़ा सा देखो कि क्या समझ में आया नहीं आया। कह रहा है वो वैल्यू बताओ के की जो लीस्ट हो, सबसे छोटी हो, जिससे ये नंबर मेरा 9 से डिवाइड हो जाए। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ के सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 9, लीस्ट वैल्यू ऑफ के। आपको पता है कोई नंबर 9 से कब डिवाइड होता है, जब डिजिट सम 9 से डिवाइड हो जाए। डिजिट सम 9 की बात कर रहा हूं तो मैं कर रहा हूं 6 + 7 + 3 + 5 + k + 1, ये बनेगा। मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि जहां टोटल 9 बन रहा है उसको हटा सकते हो आप, तो 5, 3, 8, या ऐसे करो 6, 3, 9 हटा दो, सीधा हट गया, इसको पहले हटा दो। अब बचा 7, 5, 12, 1, 13, तो मेरे पास बचा 13 + k। अब मुझे देखना है 13 + k 9 से डिविजिबल कब कब होगा, k की मिनिमम वैल्यू क्या हो। मुझे इसको 18, 9 से डिवाइड करना है तो मैं इसको 18 बना सकता हूँ, k की वैल्यू को मैं 5 ले सकता हूँ, राइट। क्या कोई और संभावना है, क्योंकि इसने बोला लीस्ट वैल्यू, तो क्या और भी बहुत सारी संभावना है। आप कहोगे 14 भी एक संभावना है, 5 में 9 और जोड़ दो 14, बट 14 एक दो डिजिट का नंबर है। जब भी नंबर का रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है तो k एक सिंगल डिजिट नंबर होता है, इसलिए यहां लीस्ट वैल्यू ये लिखें या ना लिखें से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही वैल्यू संभव है वो है 5, लीस्ट का यहां कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बिकॉज के इज ए सिंगल डिजिट नंबर, जब ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है तो के एक सिंगल डिजिट नंबर होता है, क्लियर। के इज ए सिंगल डिजिट नंबर, तो वो वैल्यू 5 है। ओके, आंसर इज 5। एक नंबर दिया है मुझे, कह रहा है ये नंबर 8 और 9 दोनों से डिवाइड होता है, तो बताओ ए और बी की वैल्यू क्या होंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी क्या होंगी। बहुत अच्छा सवाल है, 14 कैसे पॉसिबल है। गुरमीत जी मैंने बोला 14 मैथमेटिकली हम सोचेंगे फिर उसको रिजेक्ट करेंगे,
14 अगर के की वैल्यू आप रखोगे तो क्या टोटल 27 बनेगा? 27 9 से डिवाइड होगा, यस। बट 14 इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि के एक सिंगल डिजिट नंबर है। ओके, आई एम जस्ट आई वॉज थिंकिंग कितनी पॉसिबल वैल्यू ढूंढ सकता हूं मैं, बट देन आई रिजेक्टेड इट। अब 14 नहीं हुआ तो आगे बढ़ना भी नहीं हमको। यहां आइए जरा वापस से सवाल पर। एक नंबर दिया है, इस नंबर को मुझे 8 और 9 दोनों से डिवाइड किया, मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए। देखो सबसे पहले एक चीज देखो, इस नंबर का डिजिट सम करो एक बार, कर लो पहले। और ये नंबर 9 से डिवाइड होगा, अगर ये नंबर 9 से डिवाइड होगा तो 9 हटा दिया यहां से, यहां से 9 हटा दिया, और ये 7 7 14 4 18 बनेगा, 18 भी हटा सकते हैं भाई, 9 या 9 का मल्टीपल हटा सकते हैं। अब मेरे पास बच रहा है 5 8 13 6 19, 19 में से भी आप 18 हटा सकते हो, तो वैल्यू आपकी बचेगी 1 प्लस ए प्लस बी। जहां जहां 9 दिखे उसको हटा दो, मतलब मैंने क्या किया समझना इस बात को, 9 हटाया 9 हटाया, फिर 7 7 14 4 18 था, 18 हटा दिया क्योंकि वो भी 9 का मल्टीपल था, जो बचा मेरे पास 8 5 13 6 19, 19 में से भी 18 हटा दिया 9 का मल्टीपल, 1 प्लस ए प्लस बी बचा। अब ये 1 प्लस ए प्लस बी मेरा 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो आप कहोगे ए प्लस बी को मैं 8 भी ले सकता हूं और ए प्लस बी को मैं 17 भी ले सकता हूं, क्या दोनों चलेगा? यस। क्यों चलेगा? क्योंकि ए और बी सिंगल डिजिट नंबर्स हैं, ए और बी अगर सिंगल डिजिट नंबर है तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 18 हो सकती है, तो 17 अलाउड है, इसके ऊपर नहीं जा सकते हम, तो मैंने आगे इसलिए कुछ नहीं लिखा क्योंकि हमें टोटल 9 का 9 से डिवाइड होने के लिए नंबर 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। मैं आ रहा हूं उस बात पे प्रेरणा जी, पहले मेरी बात पूरी सुनिए। मुझे पता है वो नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए, बट पहले 9 का देख रहा हूं मैं कि 9 में क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं। संभावनाएं बन रही हैं 8 और 17, ठीक है। इसके आगे भी एक वैल्यू है, वो है 26। ए प्लस बी की वैल्यू अगर 26 हो जाए तो 26 से 27 बनेगा, बट ये चलेगा इसलिए नहीं क्योंकि ए और बी की मैक्सिमम वैल्यू 18 हो सकती है। अगर हम सिंगल डिजिट नंबर की मैक्सिमम वैल्यू डाल भी दें तो 8 और 17 दो संभावनाएं बनी। इसके अलावा ए प्लस बी की कोई और वैल्यू संभव नहीं है। पता है इसका फायदा क्या है? ये गलत हो गया। इसका टोटल 15 आ रहा है, ये चलेगा नहीं। इसका टोटल 13 आ रहा है, ये चलेगा नहीं। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब मेरे पास बचा क्या? बी और डी, ये दो ऑप्शन बचे, बी होगा या डी होगा। अब बी ऑप्शन को चेक करना बहुत आसान है मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं यहां ए की वैल्यू 8 डाल दूं और बी की वैल्यू 0 डाल दूं तो लास्ट थ्री डिजिट क्या बनेंगे? 960। आप बस ये देख लो कि क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है। आपकी कंडीशन आपको समझ में आई? नंबर 9 से तब डिवाइड होगा जब ए प्लस बी की वैल्यू 8 हो या 17 हो। मुझे 8 सम वाला एक ऑप्शन मिला बी, मैं बस वही चेक कर रहा हूं कि क्या बी सही है कि नहीं है। ए की वैल्यू 8 है उससे कोई मतलब ही नहीं, अब मुझे सिर्फ ये प्रूफ करना है कि मेरा बी 0 रखने पे क्या आंसर 8 से डिवाइड हो रहा है। 9 से तो डिवाइड होगा, ए प्लस बी 8 होगा, तो 8 से देखो डिवाइड करके डिवाइड हो रहा है। 8 के 9 8 2 16, इसका मतलब क्या हो गया? जब ए 8 है और बी 0 है तो मेरा नंबर 8 और 9 दोनों से डिवाइड हो गया, यानी मेरा आंसर बी है। आप कहोगे सर नन ऑफ दीज भी तो है, क्योंकि इसने एक शब्द यूज किया है पॉसिबल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके अलावा कोई और वैल्यू संभव नहीं हो सकती है, हो सकती है, बट मुझसे सवाल ने पूछा था कि कोई एक संभावित वैल्यू बता दो, पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए एंड बी, बी सही हो गया। हमेशा 9 से डिविजिबिलिटी सबसे पहले चेक करना, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट करने मदद करेगा आपको। ए प्लस बी की वैल्यू 9 से मिल जाएगी और उससे ऑप्शन एलिमिनेट होंगे, फिर देख लो 8। जैसे कोई सवाल मान लिया ऐसा आ जाता, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, ए दिया है 7 एंड 8, बी दिया है 8 एंड 0, सी मान लिया दिया होता आपको 5 एंड 8 जैसा लिखा हुआ है, और मान लिया एक डी ऑप्शन दिया होता 5 एंड 0, जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, या 6 एंड 0। आपको पता है कि ए प्लस बी का सम क्या होना चाहिए? 8 या फिर 17। आपको ये गलत, ये गलत, ये गलत, सिर्फ बी होगा। तो जब भी आपको लेट अस से डिविजिबिलिटी देखनी हो 72 की, 9 और 8 दोनों की, 9 को पहले देखो, बिकॉज यू मे नॉट बी रिक्वायर्ड टू फाइंड अबाउट 8 नाउ। ऑप्शन एलिमिनेट करके हम लगा सकते हैं आंसर जल्दी। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं 8 से डिविजिबिलिटी बिना प्रूफ के आंसर लगा सकता हूं अगर ये ऑप्शन ना दिए होते मुझे तो, नहीं। अगर दो ऑप्शन में सम मैच कर जाएगा मुझे 8 की डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट अगर तीन ऑप्शन गलत हो रहे हैं तो चौथा अपने आप सही हो जाता है। तो ये लूपहोल का फायदा उठा सकते हो आप, अगर 9 और 8 दोनों दिए तो 9 पहले कैलकुलेट करो, ना कि 8 और फिर 9। 8 और 9 अगर आप करोगे तो आपको दोनों चेक करना पड़ रहा है, पहले 9 करो फिर 8 करो, ठीक है। अब इस सवाल को मैं थोड़ा और विस्तार से समझना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा आपको। आपको एक बात तो समझ में आ गई कि 1 प्लस, हम देखते हैं कि क्या कोई और संभावना भी है इस केस में, राइट। जैसे 1 प्लस ए प्लस बी आपको पता है कि ये 9 से डिवाइड तब होगा जब ए प्लस बी हमारा 8 हो या फिर हमारा 17 हो, ठीक है। अब हम ये पता करते हैं कि भाई कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, क्या एक ही है? जैसे हमने ऑप्शन देख के एलिमिनेट करके 8 और 0 तो लगा दिया, क्या और भी संभावनाएं हैं क्या? देखते हैं। तो आप ये कहोगे लास्ट थ्री डिजिट की अगर बात करें तो लास्ट थ्री डिजिट हमारा क्या है?
96B है, यही हमारा लास्ट थ्री डिजिट्स, यस और नो? ठीक है, अब मुझे पहले देखना है कि बी की क्या क्या संभव वैल्यू हो सकती है। अगर बी की वैल्यू जीरो हो जाए तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है, और बी की वैल्यू मैं 968 भी ले सकता हूं। तो बी के दो मान संभव हैं, जीरो और एट। ए प्लस बी का मान 8 हो सकता है, अगर मैं बी को जीरो रखूं ए 8 हो जाएगा। जब मैं बी को जीरो रखूंगा तो 17 टोटल भी बन सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ए अकेला 17 हो ही नहीं सकता है। फिर मैं बी की वैल्यू को 8 रखूंगा, अगर मैं बी की वैल्यू को 8 रखूंगा तो क्या मैं ए को जीरो रख सकता हूं? यस, टोटल 8 है और बी 8 अलाउड है, तो जीरो और 8 भी तो चलेगा। यस, जीरो और 8 पे भी टोटल 8 बनेगा, तो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर बी की वैल्यू को मैंने 8 रखा तो ए की वैल्यू को मैं 9 रख सकता हूँ। यस, ए को अगर मैं 9 रख लूँ तो टोटल 17 बन जाएगा, 9 से नंबर डिवाइड हो जाएगा, और चूंकि बी को हमने 8 ले लिया है 8 से डिवाइड हो ही रहा है। तो अगर आप मुझसे पूछो कि ए और बी की कितनी संभावनाएं बनेंगी, तो 8, 0, 0, 8, 9, 8, थ्री पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो ये एनालिसिस है पूरी कि इसकी तीन संभावनाएं हैं, बट तीनों संभावनाओं में जो टोटल है वो क्या है? 8, 8, 17, 8 या फिर 17। इसका इस्तेमाल करके हम ऑप्शंस जल्दी एलिमिनेट कर सकते हैं। दिस इज अ वे ऑफ एनालिसिस। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको कंप्लीट सॉल्व करना भी आना चाहिए, आपको ये भी आना चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व करना है जल्दी से यूजिंग ऑप्शंस। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। तो ये एनालिसिस पार्ट मिस नहीं करना है, ये भी हमें समझना है कि कैसे हो रहा है। क्वेश्चन देखिए, एक 9 अंकों की संख्या है, ये 72 से डिवाइड होती है। 72 का मतलब क्या होता है? 8 और 9, 8 एंड 9। आपको 6x+7y की वैल्यू चाहिए। अब इस सवाल में ना शॉर्टकट नहीं चलने वाला है कोई भी, क्योंकि यहां पर ये नहीं पूछा है कि ए और बी की अलग अलग वैल्यू क्या हो, मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपसे नहीं पूछी है। अगर वो एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछता केवल, या फिर एक्स और वाई के अलग अलग मान पूछता, तब मैं सीधे एक्स प्लस वाई निकालता, कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करता। यहां पर एक एक्सप्रेशन है जो कि है √6x+7y। सो हमें एक्स और वाई के अलग अलग वैल्यू यहां चाहिए, तो हमें दोनों कंडीशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो नंबर मेरे पास है 389x6378y। ओके, एक चीज मैं बता सकता हूं आपको कि ये उत्तर नहीं हो सकता है रूट तेरा। क्यों? क्योंकि 6 टाइम x एक इवन नंबर है, 6 into anything इज इवन नंबर। 7 into y, अगर नंबर 72 से डिवाइड होगा तो नंबर इवन नंबर जरूर होगा। 72 में 2 है भैया, इवन नंबर से इवन नंबर ही डिवाइड होगा, तो y भी इवन बनेगा। तो 7 into even इवन नंबर होगा, तो रूट के अंदर इवन नंबर आएगा, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, बाकी सारे हो सकते हैं। We'll see. तो अब यहां पर आपको 9 का पहले देखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे x और y के मान चाहिए निकालने हैं। तो आप पहले ये नंबर पकड़ो, लास्ट थ्री, 7 8 y। 7 8 y 8 से कब कब डिवाइड होगा, क्योंकि मुझे 8 एंड 9 देखना है। तो बहुत सिंपल देखने का तरीका इसको होता है, आप 8 से डिवाइड करो इसको। 8 9 72 बना, 6 बचा 6 y, 8 28 64। तो y की वैल्यू हम 4 ले सकते हैं, और 4 ही ले सकते हैं, क्योंकि अगला जो नंबर होगा वो 8 जोड़ने से आएगा, और अगर आपने 8 जोड़ दिया तो ये वैल्यू 8 से 9 हो जाएगी। आप इसमें 8 घटा लो तो पिछला वाला मल्टीपल मिलेगा 8, अगर आपने घटाया तो ये नंबर यहाँ 7 हो जाएगा, लेकिन मुझे ये तो फिक्स दिया हुआ है 7 और 8, तो y की वैल्यू सिर्फ 4 हो सकती है। अब y अगर 4 हो सकता है तो आपका नंबर क्या बना? 389x63784। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली अब 9 का मल्टीपल देखने की कोशिश करूंगा। तो जहां जहां 9 है हटा दिया, ये देखो 9 दिख रहा है सीधे हटा दिया, यहाँ 6 3 9 दिख रहा है हटा दिया। ठीक है, बाकी जोड़ दो, 8 3 11, और ये हो गया आपका 15। 11 15 कितना होता है? 26 और 4 30। तो ये वैल्यू बन रही है 30+x। x में कितना लूँ कि ये नंबर डिवाइड हो जाए 9 से? सिर्फ एक वैल्यू संभव है, वो है 6। 36 बन सकता है ये, 36, और कोई वैल्यू नहीं बन सकती। 36 के बाद जो अगली वैल्यू बनेगी वो 9 5 45 होती है, तो वहाँ x की वैल्यू 15 लेनी पड़ेगी। बट x क्या है? एक सिंगल डिजिट नंबर है, राइट? 15 एक सिंगल डिजिट नंबर है, नहीं है, तो वो नहीं लेना मुझे। तो सिर्फ एक वैल्यू संभव है 6। तो x और y की यूनिक वैल्यू आई, एक ही संभावना आई कि ये 6 into 6 है, प्लस ये 7 into 4 है, तो ये बना 36+28 64, और √64 की वैल्यू क्या होती है? 8। तो ये आंसर होगा। हाँ जी, क्लियर?
हाँ जी, आप देखिए अगला सवाल 59वां। एक 8 डिजिट का नंबर है ये, इसको 88 से डिवाइड करना है, तो 5x माइनस 8y क्या होगा? अब जब मुझे 5x माइनस 8y चाहिए तो आपको पता है कि आपको x और y की अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी और रखनी पड़ेगी। तो यहां पर 8 इंटू 11 की कैलकुलेशन है, को प्राइम है 8 और 11, तो 8 से डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, 11 से डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 179x 091y, आप 8 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए 9 एक वाई को अलग निकाल लो, 8 से डिवाइड करिए, 8 के नाम 8, एक कैरी बचा, 8 के नाम 8 3 बचा, 3y, 8 चौके 32, वाई की वैल्यू आ गई 2, वाई 2 लेने पे नंबर कटेगा, वाई अगर 2 हो गया तो ये हो गया 2190, यहाँ हो गया x971। जब हमने ये लिखा तो अब मुझे दिखना है कि ये नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 11 से डिविजिबिलिटी के लिए 9 2 11 11 प्लस एक्स 7 18, तो ये वैल्यू होगी 18 प्लस एक्स, ठीक, माइनस 0, ये हो गया आपका 0 या 9, ये 1 प्लस 9 10 11, तो ये वैल्यू आपकी होगी 11। तो एक तरह से आपकी वैल्यू जो बनी यहाँ पर ये बनी 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स। अब या तो 11 का मल्टीपल हो या 0 हो, 0 तो बन नहीं सकता, x पॉजिटिव लेना, x की वैल्यू 4 लेनी पड़ेगी। मैं x 4 भी ले सकता हूँ, फिर x को 15 ले लूँ तो भी बनेगा 15 7 22 11 से डिवाइड होगा, बट x सिंगल डिजिट नंबर है तो सिर्फ 4 होगा। तो यहाँ y की वैल्यू 2 आई थी, x की वैल्यू मेरी 4 आ गई। अब जो मुझे निकालना है वो निकालना है 5x माइनस 8y, 5x हो गया 20 माइनस 8y 8 दूनी 16, ये वैल्यू कितनी हो गई, 20 माइनस 16 4। 7 प्लस एक्स कैसे हुआ, 11 से डिविजिबिलिटी का तरीका अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने, अल्टरनेट प्लेसेस का सम करके अंतर निकालते हैं, वही मैंने किया है। अल्टरनेट प्लेसेस बने आपके 2 9 11, 11 प्लस एक्स प्लस 7 18 प्लस एक्स माइनस 11, तो ये वैल्यू बनी 7 प्लस एक्स, अल्टरनेट प्लेसेस के सम का डिफरेंस, ठीक है। देवराज जी कह रहे कल क्लास क्यों नहीं हुआ, क्लास हुआ, आप थे नहीं देवराज जी, ठीक है, क्लास नंबर 6 है आज, कल 5 हुई थी शाम को, रिकॉर्डिंग देख लेना। 60वां सवाल देखिए, अगर y की वैल्यू 1 से ज्यादा हुआ तो, मतलब 1 से ज्यादा हुआ तो, 1 से ज्यादा हुआ तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनेंगे ना, तो सवाल जो है ना 1 से ज्यादा के केस में वो आपसे शब्द यूज करता है पॉसिबल, आप देखो ना यहाँ पर शब्द यूज किया उसने पॉसिबल। सवाल बनाने वाले को भी ये बात पता होती है ना कि भाई अगर 1 से ज्यादा वैल्यू संभव है, क्योंकि वो तो सोल्यूशन निकालेगा ना, उसको तो पता ही होगा कि 1 से ज्यादा सोल्यूशन है, इसलिए उसने पॉसिबल शब्द यूज किया, तो उसको यहां लिखना पड़ेगा कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ 5x माइनस 8y, पॉसिबल मतलब कई पॉसिबिलिटीज में एक बताओ, तो इन दैट केस यू हैव टू सॉल्व ऑल पॉसिबिलिटी एंड सी कौन सा वाला ऑप्शन में मौजूद है। लेकिन जब उसने पॉसिबल शब्द यूज नहीं किया, द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 8y, मतलब एक ही सोल्यूशन है उसका, आप खुद देख लो यहां पर एक से ज्यादा संभावना आई नहीं। अगला सवाल देखिए, 7 डिजिट का नंबर है मेरा, ये 56 से डिविजिबल है, आपको बताना एक्स स्क्वायर प्लस वाई की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। इस सवाल को हम बाद में इसलिए करेंगे क्योंकि यहां पर आपको पता है क्या होगा, यहां पर आपको 7 से डिविजिबिलिटी का नियम पता होना चाहिए, जो कि मैंने अभी पढ़ा ही नहीं तुमको, राइट, तो विल डू इट लेटर जब हम 7 से डिविजिबिलिटी पढ़ लेंगे, क्योंकि 56 मतलब है 8 इंटू 7, 56 का मतलब है 8 इंटू 7, वी नीड टू नो अबाउट 7, विल टॉक अबाउट लेटर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। 61वां सवाल देखिए, करेक्ट, इस स्टार की जगह क्या आना चाहिए कि ये जो 10 डिजिट नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो स्टार का मतलब एक डिजिट हुआ ना, 10 डिजिट का नंबर है, 9 डिजिट्स दिए हुए हैं, एक डिजिट आपको दिया नहीं हुआ, और मुझे इसको एग्जैक्टली 9 से डिवाइड करना है, ओके क्या करना है भैया, 9 9 जहां बन रहा है हटा दो, 9 हटा दिया, फिर 5 4 9 हटा दिया, फिर 6 2 8 1 9 हटा दिया, यहाँ 8 दिया 8 1 9, ये भी हट गया, तो स्टार और 1 बचा, तो स्टार की वैल्यू 8 होनी चाहिए, बस केवल 8 संभव है और कुछ संभव नहीं है, जहां जहां 9 मिले हटा दो, टोटल 9 बनना हटा दिया तो बचा सिर्फ स्टार और 1, स्टार की वैल्यू 8 हो सकती है, तो 8 1 9 बनेगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। कौन सा नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल एग्जैक्टली बाय बोथ 8 एंड 11, बताओ कौन से नंबर से डिविजिबिलिटी पहले टेस्ट की जाए, 8 से या 11 से, पहले 8 से चेक करो, अगर 8 और 11 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो हम ये देख लेते हैं कौन सा नंबर 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, उसको पहले रिजेक्ट करेंगे, अगर एक से अधिक ऑप्शन बचे तो फिर उनमें चेक करेंगे कौन सा 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 204 डिवाइड करो 8 से, 8 2 16, 8 5 40, तो ये ऑप्शन 8 से डिवाइड नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 8, अगर ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है
तो फिर भैया 11 से चेक करने की जरूरत नहीं, 88 से नंबर तभी डिवाइड होगा, 8 और 11 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, एलिमिनेट हो गया। 206 भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, 208 से डिवाइड होता है, 25 अट्ठे 200 होता है, 206 भी नहीं होगा, 208 होगा, तो ये भी नॉट डिविजिबल बाई 8। ऐसा लिख दूं कि 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, नॉट डिविजिबल बाई 8। ये 512 होता है, ये 8 का क्यूब होता है, तो 8 से डिवाइड होगा ही होगा, तो यहाँ चेक करना पड़ेगा, ये 8 से डिवाइड हो रहा है। अब 11 से हम चेक करेंगे, अगर जरूरत होगी, नहीं तो नहीं करेंगे। इसको देखो 516, 512 8 से डिवाइड होता है बट 516 नहीं होता है, 516 नहीं होगा क्योंकि 512 के बाद अगला नंबर 520 होता है, तो ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तीन नंबर 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, जाहिर सी बात है अब सी ही एक ऑप्शन है जो बचा है, तो वो सही होगा, उसको 11 से डिवाइड होना पड़ेगा, वरना तो चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ये थोड़ा इंटेलिजेंस आपको, कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि भैया कौन सा नंबर पहले चेक करें। अभी नहीं आंख बंद करके कि 11 से चेक करना शुरू कर दिया पहले, नहीं पहले 8 से देख लो, क्योंकि वो आसान है, उसमें कम कैलकुलेशन है, और जो बचेंगे, जो 8 से डिवाइड हो रहे होंगे, अगर वो एक से ज्यादा बचे तब हम 11 चेक करेंगे, ताकि उन दोनों में से, मतलब दो ऑप्शन बच जाते जो 8 से डिवाइड हो रहे होते, तो उन दोनों में से क्या सही है पता करने के लिए मुझे देखना पड़ता है कौन सा नंबर 11 से भी डिवाइड हो रहा है, यहां आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तीसरा सवाल देखिए, कह रहा है विच अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस शुड कम इन प्लेस ऑफ हैश एंड स्टार रेस्पेक्टिवली सो दैट 8 डिजिट नंबर, ये जो 8 डिजिट नंबर है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए 5 और 8 दोनों से। ठीक है, अब देखो 5 और 8 का अगर मामला है, दोनों से हमें डिवाइड करना है, स्टार सबसे अंत में आ रहा है, तो स्टार या तो 0 होगा या 5 होगा, कोई और संभावना है आपके पास? नहीं, तो आंसर डी के अलावा क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, राइट, थोड़ा सा धैर्य रखते हैं। हमें अंत में या तो 0 चाहिए या 5 चाहिए, तो स्टार की वैल्यू 0 और 5 हर ऑप्शन में दिए, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस एट ऑल। हमें खोजना पड़ेगा हैश की वैल्यू, वो तो दिया हुआ है, स्टार की वैल्यू 0 या 5 हर ऑप्शन में दी हुई है, हमें यहां पर 5 से डिविजिबिलिटी तो सारे ऑप्शन में मिल जाएगी, हमें 8 से डिविजिबिलिटी खोजनी है, कब मिलेगी? ठीक, अब देखो यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो हैश है इसको आप ऐसे लिखो, या इसको मैं ब्लैंक छोड़ता हूं, अभी यहां मैं 8 लिखता हूं और यहां मैं एक बार 0 लिखता हूं, फिर यहां हैश इसको ब्लैंक छोड़ता हूं, यहां 8 लिखता हूं या 5 लिखता हूं। अब यही दो संभावनाएं हैं कि नंबर मेरा 5 से डिवाइड होगा। अब ये देख लेते हैं कि यहां हम क्या भर सकते हैं, यहां हम क्या भर सकते हैं इस जगह पर कि हमारा नंबर जो है वो 8 से भी डिवाइड हो जाए। आपको अगर नंबर, अगर मुझे 8 से डिवाइड करना है तो नंबर मेरा इवन होगा, तो ये नॉट पॉसिबल है। 5 अगर अंत में जाएगा तो नंबर क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑड है, ऑड नंबर 8 से कभी डिवाइड होगा क्या? नहीं, तो ये संभावना चलनी ही नहीं है, मेरे को संभावना 0 वाली चाहिए। अब 0 तीन ऑप्शंस में है, अब यहां देखना है कि मैं यहां क्या रख सकता हूं, राइट, यहां क्या रख सकता हूं। अब देखो एक बात बहुत इंटरेस्टिंग, ये जो नंबर है 80, ये 8 से डिवाइड हो जाता है, यहां मैं जो भी लिखूंगा ये नंबर क्या बनेगा? जैसे मैं इस संख्या को अगर मैं लिखता हूं, मान लिया थोड़ी देर के लिए एक्स, तो ये बनेगा एक्स के आगे 2 0 प्लस 80, ये पार्ट 8 से डिवाइड होता है, मुझे ये वाला पार्ट 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो मैं एक्स की वैल्यू को क्या रख सकता हूं? 208 से डिवाइड होता है, राइट, 2 के बाद मैं इसको 400 भी लिख सकता हूं, मैं इसको 600 भी लिख सकता हूं, मैं इसको 800 भी लिख सकता हूं, तो इशेंशली जो हैश की वैल्यूज पॉसिबल है मेरे लिए वो 2 4 6 8 पॉसिबल है, और स्टार की वैल्यू सिर्फ 0 हो सकती है। अब देखो ये कॉम्बिनेशन कहां दिया हुआ है, 2,0 ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, 4,0 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये मार्क कर दो आप, बाकी होने को ये चारों चीजें हो सकती हैं, आपकी जो वैल्यूज पॉसिबल हैं 2,0 भी पॉसिबल है, 4,0 भी पॉसिबल है, 6,0 भी पॉसिबल है, आप रख रख के देख लो, 8,0 भी पॉसिबल है, चार संभावनाएं हैं, चार में से एक संभावना ऑप्शन में दी है 4,0, इसलिए हम उसको लगा देंगे, बट संभावनाएं चार है। ठीक है, आप ऑप्शन चेक करोगे तो भी आपको वैल्यू मिल जाएगी, जैसे आप ये वैल्यू रख देते हैं 1 और 0, तो लास्ट में मिलता है 180, 180 8 से डिवाइड नहीं होता है, काट देते, 2 और 5 तो रखना ही नहीं है क्योंकि ऑड नंबर मिलेगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा, आप 5 और 0 रख देते तो ये मिलता आपको 580, जो कि 8 से डिवाइड नहीं होता, फिर आपका बचा हुआ ऑप्शन 1 वही सही हो जाता। तो दोनों तरीके ठीक है कि आप ऑप्शंस का यूज करके ऑप्शन एलिमिनेशन कर लो, या फिर आप जो मैं कह रहा हूं वो कर लो, सॉल्व कर लो, ठीक है, बट अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर रहे हैं तो भी आपको एनालिसिस आनी चाहिए, अगर आपको एनालिसिस नहीं आती है तो आप कहीं ना कहीं फंसोगे, किसी ना किसी सवाल में धोखा होगा तुम्हारे साथ।
तो वंस यू नो हाउ टू एनालाइज कि अच्छा इसकी फोर पॉसिबिलिटीज हैं, आप जब इसमें क्लियर हो देन आपको हाँ इसको तो ऐसे भी कर सकते थे, सो दैट आप एनालिसिस में कमजोर ना पड़ो कभी। 64वां सवाल देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 8। नोट एक्स एंड वाई गिवन इन द ऑप्शन आर डिस्टिंक्ट डिजिट। एक्स और वाई अलग अलग डिजिट समझ, दे आर नॉट सेम। 5 और 8 से मतलब क्या है, नंबर अगर डिवाइड हुआ यार तो अंत में या तो मुझे 0 चाहिए या 5 चाहिए, तो ये ऑप्शन तो चलेगा ही नहीं। बाकी सारे ऑप्शन में देखो यूनिट डिजिट 0 है या फिर 5 है या 0 है, तो यानी 5 से तो डिवाइड होगा ही। अब मुझे 8 से डिविजिबिलिटी खोजनी है। 308 से डिवाइड नहीं होता है, 200 होता है, 400 होता है, लाइक दैट। 308 से डिवाइड नहीं होता है। 752 पे आओ जरा, क्या ये 8 से डिवाइड होता है? 8 9 72, 8 4 32, यस ये होता है, ये 8 से डिवाइड होता है। बट ये तो हम पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं, तो इसको तो हमें चेक ही नहीं करना है, सॉरी। ये तो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको हमें चेक करना ही नहीं है, इसको छोड़ दो। क्या ये नंबर हमारा 8 से डिवाइड होगा? आपको अगर नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा, हटा दो। तो ये भी गया, अब बचा सिर्फ एक ऑप्शन, तो वही सही होगा ना, डी करेक्ट होगा। यहां आपको एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालनी है, ठीक है? आपको ऑप्शंस दिए हैं और कह रहा है कि भाई एक्स और वाई डिजिट्स हैं, आप बताओ इनमें कौन सा आंसर 5 और 8 दोनों से डिवाइड होगा। तो पहली बात तो आपका जो नंबर है वो ऑड नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो पक्का इवन नंबर होगा। इसलिए बी ये जरूर लिखना अपनी कॉपी में कि ये ऑप्शन एलिमिनेट क्यों हुआ, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। ये ऑप्शन 5 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 8 से नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर है, इसलिए गलत हुआ। यहां पर ये 300 जो है ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 5 से हो रहा है, इसलिए एलिमिनेट हुआ। ये क्यों एलिमिनेट हुआ? क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, एक ही ऑप्शन बचा, तो वो सही होगा। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो कि नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, 8 से भी हो रहा है। तो वी हैव टू जस्ट लुक एट लास्ट 3 डिजिट्स। और चूंकि देखो एक चीज और गौर से देखिएगा, ये सवाल बहुत ही फर्जी कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। जब 5 और 8 से डिविजिबिलिटी मुझे देखनी है, तो 5 के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए यूनिट डिजिट। 8 के लिए मुझे क्या चाहिए? लास्ट 3 डिजिट्स। एक्स और वाई का कोई इस्तेमाल नहीं है आपके लिए। जो ऑप्शन है वो बेसिकली ऐसे हैं, 300 315। पहले तुम जो कहानी लिखनी है लिख दो, आपके लिए बस ये महत्वपूर्ण है। उसके पहले तो मर्जी से जो आए तुम लिखो, एक्स वाई जेड पी के बारे में क्या फर्क पड़ता है? हमें तो 5 और 8 दोनों को देखने के लिए सिर्फ मैक्सिमम 3 डिजिट चाहिए लास्ट वाली, बस। 5 के लिए यूनिट डिजिट, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स, ठीक है? 65वां सवाल देखिए, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई बोथ 25 एंड 9। 25 और 9। अब देखो एक मजेदार बात मैं बताने जा रहा हूं आपको, गौर से देखिएगा। जैसे हमने देखा 2 की पावर्स में एक पैटर्न, याद है आपको कि 2 की पावर n देखना है, अगर 2 देखना है तो मुझे लास्ट डिजिट देखना है कि लास्ट डिजिट मेरा 2 से डिवाइड हो जाए। 4 देखना है तो हम कह रहे हैं लास्ट 2 डिजिट हमें देखना है कि लास्ट 2 डिजिट हमारा 4 से डिवाइड हो जाए। 8 देखना है तो हमें लास्ट 3 डिजिट देखना है। सिमिलरली ना 5 की पावर्स में होता है, क्योंकि 5 और 2 का प्रोडक्ट 10 होता है। 5 का स्क्वायर और 4 का प्रोडक्ट क्या बनता है? 100 बनता है, लास्ट 2 डिजिट। 8 और 5 का क्यूब 125 बनता है, 1000। अभी मैं आपको एक छोटा सा एक बात बताता हूं कि कोई भी नंबर एन अगर दिया हो मुझे और उसको मैं, या कोई भी नंबर आप लिख लो एक्स दिया है आपको, और मैं यहां इसको 10 की पावर n से डिवाइड करूं, जब आप ये डिवीजन करते हो तो जो रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर होता है लास्ट एन डिजिट्स ऑफ एक्स। किसी नंबर को आप 10 से डिवाइड करिए, 10 की पावर 1, एक्स की यूनिट डिजिट रिमाइंडर आएगी। अगर कोई रिमाइंडर नहीं आया मतलब वो डिवाइड हो गया। जो नंबर 10 से डिवाइड हो गया मतलब वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो गया, और नंबर 5 से भी डिवाइड हो गया। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 2 और 5 इंटर रिलेटेड है। जैसे कभी भी अगर आपको 5 से डिविजिबिलिटी देखनी हो तो लास्ट डिजिट देखो 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 2 से डिविजिबिलिटी देखनी है देखो लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। क्योंकि 10 से डिवाइड करने पे उस नंबर का रिमाइंडर 0 अगर आएगा तभी वो नंबर 2 और 5 यानी यूनिट डिजिट, 10 से डिवाइड करने का मतलब होता है किसी नंबर की यूनिट डिजिट। जैसे आपके पास एक नंबर 123, 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 3। अब यही अगर 3 2 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 2 से डिवाइड होगा, यही चीज अगर 5 से डिवाइड होगी तो नंबर 5 से डिवाइड होगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इज द यूनिट डिजिट। तो आप लास्ट डिजिट देखो 5 से डिवाइड होगा, नंबर 5 से डिवाइड होगा। लास्ट 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड होगी तो नंबर 25 से डिवाइड होगा। लास्ट 3 डिजिट अगर 125 से डिवाइड होगी तो नंबर 125 से डिवाइड होगा। जैसे 8 का पैटर्न है वैसे 5 का पैटर्न है, जैसे 2 की पावर का पैटर्न है सेम पैटर्न 5 की पावर का है, ये बात ध्यान रखिएगा।
मुझे नंबर को 25 से डिवाइड करना है। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर, लास्ट टू डिजिट 5 स्क्वायर यानी 2, मुझे लास्ट टू डिजिट देखना है, लास्ट टू डिजिट मेरा 25 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ हो रहा है, नहीं काट दो, बाकी जगह हो रहा है, यस अच्छी बात है। अब मुझे 9 को पिक्चर में लाना है, 9 कैसे पिक्चर में आता है, सम ऑफ डिजिट्स, 9 को पिक्चर में लाते हैं भाई, 6 7 8 7 15, या 9 को पिक्चर में लाना है तो आप 9 हटा दो, 8 1 9 हट गया, 5 4 9 हट गया, क्या बचा, 6 2 8, तीनों से डिवाइड नहीं हो रहा, आंसर नहीं होगा, ये पहले ही काट चुके हैं क्योंकि ये 25 से नहीं हो रहा है। यहाँ जो 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 6 2 8 1 9 कट गया, तो ये नंबर आपका 25 से भी डिवाइड हुआ, 9 से भी डिवाइड हुआ, तो ये आंसर करेक्ट हो गया। आप इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, गलत होगा ही होगा, फिर से देख लो इसको, सी ऑप्शन, 25 से तो डिवाइड हो ही रहा है ये नंबर, 9 से डिवाइड देख रहा हूँ तो 9 काटा मैंने, 5 4 9 काटा, 6 2 8 1 9 काटा, तो ये नंबर हो गया। यहाँ देखो 25 से डिवाइड हो रहा है, 9 का देख लेते हैं, आप हो गए 7 2 9 हटा देते हैं सर, हटा दो, 5 5 10 8 18 7 25, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है नंबर, गलत हो गया, आंसर क्या हो गया। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण चीज सब लोग नोट कर लो कि 5 की पावर एन का पैटर्न आपको समझ में आया, कि अगर मुझे डिविजिबिलिटी 5 से देखनी है, लास्ट डिजिट, और लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड होनी चाहिए, 25 से देखनी है, लास्ट टू डिजिट 25 से डिवाइड होना चाहिए, आपको 125 देखनी है तो आपको लास्ट थ्री डिजिट्स 125 से डिवाइड होना चाहिए, एंड सो ऑन। अगर 5 की पावर एन है तो आपको लास्ट एन डिजिट्स उस नंबर का 5 की पावर एन से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 66वां सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, जितने डिजिट उतने लास्ट डिजिट, नहीं गलत तरीके से चीजें याद नहीं करना बेटा, 5 की पावर में मामला चल रहा है, तो जितना 5 की पावर उतनी डिजिट, ठीक है, गलत तरीके से चीजों को याद करने में आप सिर्फ धोखा करोगे, ठीक है कि नहीं। जैसे इसका 5 गुना आप और करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 625, अब तुम बोलोगे लास्ट थ्री डिजिट, जी नहीं, यहाँ लास्ट फोर डिजिट है, ठीक है, तो गलत पैटर्न नहीं बनाना दिमाग में। 625 में आपको आखिरी के 4 अंक देखने पड़ेंगे, बिकॉज वो 5 की पावर 4 है, 2 और 5 का सेम है, हाँ सेम पैटर्न है। 66वां सवाल देखिए, एक नंबर मुझे दिया है एन, काफी बड़ा सा नंबर है, ये 8 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाता है, बताना है कि P प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ P प्लस क्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ P प्लस क्यू। अब देखो मजेदार बात क्या है कि P प्लस क्यू की वैल्यू अगर मुझे खोजनी है, पहले 9 देखते हैं, लेकिन हमें यहां पर नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में दिया, तो मैं थोड़ा सावधान भी रहना है, बट एटलीस्ट पहले 9 देखते हैं, क्योंकि P प्लस क्यू की वैल्यू अगर निकालनी है तो डिजिट सम में P प्लस क्यू आएगा, ठीक है, तो 9 देखने के लिए 9 पहले काट दो, 9 9 कट गया, यहाँ ये 9 कट गया, यहाँ ये 6 3 9 कट गया, यहाँ एक 7 बचा हुआ दिख रहा है, इस 7 को यहाँ के 2 से उड़ा देते हैं, ये 9 कट गया, ठीक है, एंड लेट्स सी व्हाट इज लेफ्ट नाउ, 6 4 10, 10 10 20 और 8 28, तो ये वैल्यू आपकी बच रही है 28 प्लस पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या ले सकता हूँ मैं, ठीक है, कैन यू टेल मी, और तो कुछ नहीं बचा था ना, अच्छा यहाँ भी था क्या, 6 4 10, 10 20, 6 26, तो एक 6 और 3 भी कट रहा है, तो यहाँ ये 3 और 6 भी कट रहा है, नाउ यू आर लेफ्ट विद 8 3 11 और 10 21 और 4 25। अब P प्लस Q की वैल्यू मैं 2 भी ले सकता हूँ और 11 भी ले सकता हूँ, दोनों के केस में कैंसिलेशन हो जाएगा, P प्लस क्यू का सम 9 नहीं हो सकता है, ये तो क्लियर हो गया, बट P प्लस क्यू का सम 2 और 11 हो सकता है, लेकिन अब यहां पर ये मत बोल देना कि हमें आगे चेक नहीं करना है, करना है, इसलिए करना पड़ेगा आगे चेक कि भाई हो सकता है क्यू की मात्र एक वैल्यू संभव और P प्लस क्यू की वैल्यू 2 या 11 की जो कंडीशन है उसको पुख्ता करने के लिए वी हैव टू गो फर्दर एंड चेक कि दोनों संभव है भी कि नहीं, तो आप 6 4 8, क्योंकि स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन में ज्यादा तिकड़मबाजी चल नहीं पाती है, 4 क्लियर ऑप्शन दिए हो तो वहां तो चेक कर लेंगे कि भाई सम अगर 2 या 11 नहीं होगा तो उसको काट देंगे ऑप्शन, जैसे यहाँ 9 काट दिया, ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 9 तो नहीं होगा, लेकिन 2 11 में दोनों संभव है या नहीं है मुझे चेक करना पड़ेगा, तो 6 4 में जो क्यू है ये 6 4 0 और 6 4 8 बन सकता है। आप जरा ध्यान से देखो, अगर मैं Q को 0 ले लूं तो मैं P को क्या ले सकता हूं, 2, बात चलेगी, अगर मैं Q को 8 ले लूं तो P को क्या लूंगा, 3,
तो बेसिकली दोनों संभव हैं, मतलब जो 2 और 11 था मुझे क्यू की जो दो वैल्यूज मिल रही हैं उन दो वैल्यूज से कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है कि मैं 2 या 11 नहीं बना पा रहा हूँ, 1 से 2 बन जा रहा है, 1 से 11 बन जा रहा है, एंड देयर फोर आपका जो आंसर है वो है ईदर 1 और 2। ठीक है, मतलब कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है डेटा में, राइट। पी प्लस क्यू की वैल्यू को मैं 2 और 11 दोनों बना सकता हूं, जो क्यू की दो वैल्यूज है 0 और 8। समझ में बात की नहीं? अब आप कहोगे सर इसको लिखने की जरूरत क्या थी, लिखने की जरूरत थी, उसका कारण मैं आपको अभी समझाता हूं। जैसे मान लिया मैं आपको वैल्यू बोलता कि यहां 4 की जगह कुछ और होता, मतलब नंबर थोड़ा चेंज हो जाता इस तरीके से, नंबर ऐसा होता कि लास्ट में सेम कंडीशन बनती ऐसी, मतलब मैं कहीं से लेट से 1 कम करके 1, यहां 1 कम करके वहां 1 बढ़ा लो ताकि डिजिट हम ना बदले। मान लिया नंबर ऐसा होता तुम्हारा 55 डैश, अब आप कहते 8 6 48, 8 7 56, यहां 4 आता, सिर्फ एक वैल्यू संभव होती, 2 होती नहीं। अगर यहां सिर्फ 4 ही आता तो क्या आप 2 कभी बना पाते? नहीं, तब सिर्फ 11 बनता, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट नॉट? इसलिए मुझे आगे देखना पड़ेगा, ये कंफ्यूजन आपको नहीं पालना है कि मुझे क्या होता है 2 और 11 देखो दोनों हाथ हो गए, आप क्यों फर्जी में चेक कर रहे हो? दैट ठीक है, आगे नहीं भी आ सकते थे, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। अगर लास्ट में नंबर कुछ 5 5 4 टाइप का बनाते, 5 5 होता वहां पर, तो क्यू की वैल्यू सिर्फ 4 होती, और क्यू अगर सिर्फ 4 होता, बट आप कहोगे सर अगर आपने यहाँ 5 5 किया तो डिजिट सम बदला नहीं, नहीं बदला, देख लो 6 4 10 ये भी है, 5 5 10 ये भी, तो 9 से डिविजिबिलिटी पे मैंने डिजिट सम को बदला ही नहीं है, वो सेम रहेगा, कंडीशन ऐसे ही आएगी। बट अगर लास्ट में 5 5 कर दूं तो यहाँ सिर्फ 4 आएगा, और अगर यहाँ सिर्फ 4 आएगा तो संभावना सिर्फ 11 की होगी, 2 नहीं होगा। हाँ ये 2 होगा, सॉरी, ठीक है, एक मिनट, 2 बना रहा हूँ क्या मैं? नहीं, अगर 2 लूंगा तो फिर बन जाएगा, मतलब इस तरह से मत लो, नंबर चेंज कर लो, 4 वाला लो जहां पर 4 की पॉसिबिलिटी हो, वर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 4, लास्ट में 4 आए, जैसे 8 6 ले लो और यहां 4 ले लो, ठीक है, अब ठीक है 8 6 ले लो जहां पर सिर्फ एक पॉसिबिलिटी 4 की आए बस, ठीक है, और 8 6 यहां 14 बनाया हमने, तो यहां 6 4 10 था, 4 यहां डिजिट सम बढ़ा दिया, तो मैं 4 यहां कहीं भी कम कर सकता हूँ ताकि टोटल ये सम में परिवर्तन ना आए। तो आप सारे जैसे 8 है वहां 7 कर दो, 9 है वहां 8 कर दो, 7 है वहां 6 कर दो, 9 है वहां 8 कर दो, 4 डिजिट सम यहाँ कम हो गया, 4 यहाँ बढ़ गया, तो 9 की कंडीशन नहीं बदलेगी। लेकिन चूंकि 8 की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक है 4, तो हम पी प्लस क्यू की वैल्यू 2 नहीं ला सकते, तो वहां पर एक ही संभावना होगी। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि पूरी बात समझना बहुत, कई बार जब हमें उत्तर मिल जाता है तो हम गलत तरीकों को भी सही मानने लगते हैं, हमें लगता है क्या जरूरत थी इसकी, समझे कि नहीं, बट जरूरत है। उसका छोटा सा एग्जाम्पल बार बार देता हूँ, फिर से दूंगा, 16/64 करने से 1/4 6 6 काटने से भी आ जाता है, बट ये तरीका सही नहीं है, और वो आपको धोखा मिलेगा अगर आपको कभी 15/59 करना हो, आप फिर से 5 5 काटोगे 1/9 आएगा, जो कि गलत है। तो देयरफॉर रॉन्ग थिंग्स कैन गिव यू द राइट आंसर समटाइम्स, बट दैट डजंट बिकम ए रूल, यू हैव टू फॉलो द रूल, ओके, सो दैट यू आर नॉट रॉन्ग एवर, कभी गलत ना होगा। एक खतरनाक सा नंबर दिया हुआ है, कह रहा है बताओ ये डिविजिबल बाई 3 होगा, नॉट बाई 11, डिविजिबल बाई 11 बट नॉट बाई 3, डिविजिबल बाई 3 एंड 11, डिविजिबल बाई 3 नॉट बाई 11। अच्छा सवाल है, घबराने का नहीं, सबसे पहले तो देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3 है कि नहीं, वो आसानी से दिख जाएगा आपको, 3 1 1 का सम टोटल बनेगा 5, और ये 5 कितनी बार आ रहा है जरा देखो, 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1, 1 2 3 4 5 6 7 बार आया। 7 को अगर हर एक ट्रिपलेट का डिजिट सम 5 है तो 7 5 35 बनेगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं है, डिविजिबल बाई 3 जहां जहां लिखा है वो काट दो, दो ऑप्शन नहीं है, तो ये संख्या क्लियर होगी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब बस यही पता करना है कि 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 11 से डिविजिबिलिटी खोजने में थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं आपको कुछ मजेदार बात दिखाता हूं कैसे इसको देखना है। आप मुझे एक बात बता दो कि क्या इस नंबर में 7 टाइम्स 3 है? यस, क्योंकि मैंने 3 1 1 के 7 आपको चंक्स दिखा दिए, और हर चंक में 2 बार 1 आया है, तो 14 टाइम्स 1 है। ये बात समझ में आ रही है? ये लिखने से बहुत फायदा होगा आपको, क्योंकि अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, 1 3 मैं बस देखने जा रहा हूं, 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3, कितनी बार 3 आ गया बताओगे मुझे?
ओके, कितनी बार 3 आया काउंट कर लो, क्योंकि आपके पास डिजिट्स कितनी है, कितनी डिजिट्स हैं, ये 5 था क्या, 2 3 4 5 6, नहीं ठीक है, कितनी बार 3 आया इस प्रोसेस में, ओके दैट्स व्हाट यू हैव टू सी, बिकॉज नंबर ऑफ डिजिट्स मुझे पता है कि 7 × 3 टोटल 21 डिजिट्स हैं। तो जब मैं ये काम कर रहा हूं तो 3 एक बार आया, फिर 3 एक बार आया, फिर 3 एक बार आया, 3 एक बार आया, 4 बार आया, तो जब मैं देख रहा हूं तो 4 × 3 आया तो 12 हो गया, और टोटल अगर मेरे पास 21 डिजिट्स हैं, 21 डिजिट्स हैं, और मैं राइट से स्टार्ट कर रहा हूं, तो यू हैव टू जस्ट टेल मी वन थिंग कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन, अगर 4 बार 3 आया तो कितनी बार 1 आया, अगर मेरे पास 21 डिजिट्स हैं, मान लें मेरे पास 3 डिजिट्स हैं और मैं यहां से शुरू करूं, तो मेरे पास 2 बार 2 अल्टरनेट प्लेस बनते हैं, तो ऐसे यहां पर कॉम्बिनेशन जो बनेगा 21 में वो बनेगा 11 और 10 का, तो यहां टोटल 11 डिजिट आएंगी, 4 बार 3 आया है तो 7 बार 1 आया है, माइनस टोटल 7 बार 3 है तो यहां 3 बार 3 आएगा, और यहां पर 7 बार यहां भी 1 आएगा, क्योंकि तो 1 14 बार था, 4 3 12 7 19 माइनस 8 और 9 17, 2 आ गया, तो नंबर 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 9 7 16 सॉरी, नंबर 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 आ रहा है, तो आंसर है डी। 11 से डिविजिबिलिटी का एक तरीका और भी है, दैट वी विल सी, वो सब 7 11 13 वाला जो कॉम्बिनेशन है, जो 1001 होता है, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वी विल थिंक अबाउट दैट। ओके, तो यहां पर डिजिट्स को काउंट करना बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए, राइट, हाउ मेनी डिजिट्स, आप 3 कितनी बार है, 14 1 कितनी बार है, बिकॉज उससे मेरे लिए चीजें बड़ी आसान हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ अल्टरनेट प्लेसेस का ऐसे जोड़ना ना, इट्स लिटिल कॉम्प्लेक्स, मामला फंस सकता है तुम्हारे लिए, गलती कर सकते हो, और ये काउंट कर लेना कितनी बार 7 है, कितनी बार 3 है कितनी बार 1 है, वो आसान कर देगा आपके काम को। 68वां सवाल देखिए, बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ पी क्यू, के कितने ऐसे पेयर्स पॉसिबल हैं कि ये वाला नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाए, 3 5 7 P 2 5, क्योंकि सवाल में क्या बोला है, पॉसिबल पेयर्स बताने, तो यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं चलना आपका, कि सम देख लिया काम चल गया, कुछ नहीं चलेगा, आपको काउंट करना है कितने पेयर्स हैं, तो आपको पहले तो करना है भाई क्यू की जो वैल्यू है मेरी, वो तो 0 हो सकती है 5 हो सकती है, ये 5 से डिविजिबिलिटी की बात हो रही है, जरा सम करते हैं, 3 से नंबर तब डिवाइड होगा जब हम कहें 3 हटा देते हैं, 5 7 12 हटा देते हैं, 12 भी 3 से डिवाइड हो गया, 5 2 7 है, 7 में 6 हटा सकते हैं, तो 1, क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी और 9 से डिविजिबिलिटी एक ही तरह चलती है, तो पी प्लस क्यू की जो वैल्यू है मेरी वो 2 भी हो सकती है, और 3 से मल्टीपल की बात हो रही है, 5 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है, जस्ट लुक एट द पॉसिबिलिटीज, देयर सीम्स टू बी मेनी पॉसिबिलिटीज कमिंग अप, मैंने कहा 2 5 8, क्योंकि पी प्लस क्यू की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है, 9 9 18 तक जा सकती है, चलते जाओ 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, ये वो संभावित वैल्यू है जो पी प्लस क्यू की वैल्यूज हो सकती है, पी प्लस क्यू। अब हम आते हैं क्यू पर, कि क्यू हमारा या तो 0 होगा या 5 होगा, अब देखना ध्यान से, क्यू अगर मेरा 0 है यहां पर तो ही ये संभावना बनेगी कि 5 हो जाएगा, तब तो टोटल तो क्यू 0 होगा तो पी हमारा 2 हो जाएगा, यहां जब मैं 5 की बात कर रहा हूं, सम 5 लाना है मुझे, तो कैसे आ सकता है, क्यू को मैं 0 ले लूं, पी को मैं 5 ले लूं, और या फिर मैं क्यू को 5 ले लूं और पी को 0 ले लूं, सम 5 आ जाएगा, 2 संभावना यहां मिली, 1 यहां मिली 2 यहां मिली, 8 की बात कर लो, आप कहोगे 8 में अगर मैं क्यू को 0 लूं तो मैं इसको 8 ले सकता हूं, यस और नो, या फिर मैं इसको 5 ले लूं और इसको मैं 3 ले लूं, ये भी चल जाएगा, तो यहां भी 2 संभावना मिल गई। 11 की बात कर लो, 11 की जब बात करोगे तो क्यू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये अकेला 11 हो नहीं सकता, तो अब ये सिर्फ 5 बनेगा, तो ये 3 5 बनेगा, तो ये 6 बन सकता है, तो यहाँ 1 ही संभावना आई। मैं 14 की बात करूंगा तो ये सिर्फ 5 बन सकता है, 0 लोगे तो 14 तो अकेले बनेगा नहीं, पी की वैल्यू 9 बन सकती है, 9 5 14। 17 की बात करें, अगर मैं इसको 5 ले भी लूं तो ये 12 बनेगा, 12 ये बन नहीं सकता, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो जो संभावना है वो तुम्हारे सामने मैंने लिख दी, 1 2 1 3 2 5 1 6 1 7, टोटल 7 संभावनाएं हैं और सारी लिखी हैं आपके सामने, 2.0, 5.0, 0.5, 8.0, 3.5, 6.5, 9.5, देयर आर टोटल 7 पॉसिबिलिटीज। अब अगर आपको एनालिसिस नहीं आती तो ये सवाल तुमसे नहीं हिलना, कुछ भी कर लो, हिला नहीं सकते आप इसको, कितना भी दम लगा लो इस सवाल में, यू नीड टू नो द एनालिसिस, क्योंकि वैल्यू 0 या 5 हो सकती है, मैंने उसी का इस्तेमाल किया कि 0 रखा 2 कर सकते हैं, सम 2 बन जाएगा, तो 3 से डिवाइड हो गया, देन मैंने कहा 0 लिया तो 0 5 से 0 बन सकता है, 5 0 से भी बन सकता है, 8 बनाना है सम तो 8 0 से भी बन सकता है, 3 5 से भी बन सकता है, क्यू की वैल्यू 0 और 5 के अलावा कुछ हो नहीं सकती, एंड दैट्स हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन, टोटल 7 पॉसिबिलिटीज, बहुत ही बढ़िया शानदार सवाल है, ठीक है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7,
और वो 3 और 200 के बीच में? बहुत सरल सवाल है ये, एक अच्छा सवाल कराया कि दिमाग खिला, अब एक आसान सवाल करता हूँ। 3 और 200 के बीच में मुझे बताना है कि कितने ऐसे नेचुरल नंबर्स होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। देखो 3 तक 7 का कोई मल्टीपल आया है अभी तक? नहीं आया है, 3 के बाद ही आएगा ना पहला मल्टीपल। तो सीधे आप 200 को 7 से डिवाइड कर लो, आपको क्या 7 दूनी 14 6 20 7 और 8 56 28 नंबर हो गए पूरे के पूरे। घपला होने का कोई चांस ही नहीं, कोई चांस ही नहीं घपला होने भाई। पहला मल्टीपल ही 3 के बाद आएगा, तो 200 को सीधे डिवाइड कर लेते हैं 7 से, 28 असलो कुछ कुछ आया, 28 मेरा आंसर होगा, 28 पूरे पूरे मल्टीपल होंगे। 28 सत्य कितना होता है आपका? 196। 28 इंटू 7 इज 14 इंटू 14 ओनली, 28 का 1 2 7 को दे दो, 14 इंटू 14 बन जाता है। हिंदी में 300 है तो हिंदी वाले निकाल लो अलग से, दो सवालों की प्रैक्टिस है। हिंदी में 300/7 बनेगा, 7 चौके 28 7 दूनी 14, हिंदी के हिसाब से आंसर 42 होगा, जो कि कहीं दिया नहीं हुआ, तो अंग्रेजी वाला ही मानना है तुमको, 28 वाला सही है, तो इसको 200 ही बना लो, बट 300 मानोगे तो ऐसे हो जाएगा 42.xx। ओके, नाउ द गुड थिंग इज अगर आप 200/7 सोच रहे हो डिवाइड करो तो बेवकूफी कर रहे हो, बिकॉज परसेंटेज पढ़ा हुआ आपने। तो 200/7 क्या है? 2/7 का फ्रैक्शन का परसेंटेज इक्विवेलेंट है, 28.57 होता है, 28 सीधा आपको दिख जाएगा, दैट्स द गुड पार्ट ऑफ इट। 3/7 में 42 होता है, 42 होता है 14 पॉइंट परसेंटेज, 14.28%, उसी का डबल तो करना है आपको। तो परसेंटेज का रिलेशन अगर आप बिल्ड करोगे तो ऐसे सवालों में आप क्विकली लिख पाओगे इनको, जैसे 200/7 को मैनुअली अदरवाइज आप करोगे, लेकिन अगर आप परसेंटेज से रिलेट करोगे तो तुरंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में 17 तक ही क्यों लिया? कहां 17 तक लिया मैंने भाई? 17 के आगे कैसे जाओगे यार? पी प्लस क्यू की वैल्यू 18 से ऊपर हो सकती है क्या कभी? अगर P और Q सिंगल डिजिट है यहां पर, तो सिंगल डिजिट में मैक्सिमम इसकी वैल्यू 9 और 9 ले सकते हो आप 18, तो P प्लस Q की वैल्यू 18 के ऊपर जा ही नहीं सकती। 17 तक इसलिए गए क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी तक 17 पे आए, अगला 20 होगा, तो इसलिए नहीं लिखा मैंने, आगे जाने का कोई जरूरत ही नहीं। ओके, ये सवाल देखो, 1000 से 5000 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 225 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे? ओके, क्या कर रहा हूं मैं देखो, कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, 17.xx आया बट 17 आंसर ही नहीं यार, कहीं फंस गए मामला। मैंने कहा भाई 5000 तक कितने नंबर है 225 के मल्टीपल, तो वो हो गया 5000/कुछ कुछ, राइट, 5000/225 माइनस 1000/225, अंतर निकाला तो 17 कुछ कुछ आया, आप 16 लगाएं 18 लगाएं, तो मामला क्या होता है गड़बड़ में बताता हूँ आपको। आपको बेसिकली ये वैल्यू डिवाइड करके सीधे नहीं घटानी होती है, इस वैल्यू का हमें इंटीजर पार्ट लिखना होता है। तो ये घोटाला क्यों होता है मैं समझाता हूं, और इस वैल्यू का भी मुझे सिर्फ इंटीजर पार्ट लिखना होता है, पूरा नहीं लिखना होता है, क्योंकि पूरा अगर तुमने लिखा दशमलव में लिख के घटाया, जैसे यहां कर रहा हूं मैं सीधा घटा दिया, तो वो दशमलव वाला पार्ट भी प्ले में आ जाएगा और उत्तर आपका हिल जाएगा, जैसे यहां हिल गया उत्तर। वैसे मान लिया, मैं समझाता हूं मैं क्या समझा, मैं समझा रहा हूं, पहले सब कुछ भूल जाओ, सोचो ये वैल्यू मान लिया कुछ ऐसी है, मैं एग्जैक्टली नहीं लिख रहा हूं, या लिखते हैं एग्जैक्ट, कैलकुलेटर यूज करते हैं ताकि आपको मैं एग्जैक्ट डेटा लिख के दिखाऊंगा, तो आपके आपको इसका मतलब समझ में आया कि सीधा घटाने से क्या पंगा होता है। अब 5000/225 लिखो पहले, इसे बातें कोई पढ़ाता नहीं है, बस मैं ही थोड़ा पेन लेके समझा देता हूँ, ज्यादा समझा देता हूँ। इसकी वैल्यू 22.22 आ रही है, ठीक है, दूसरी वैल्यू आ रही है 1000/225, ये आ रही है 4.44। अब देखो क्या है एक्चुअल में, ये क्या बता रहा है तुमको कि 22 मल्टीपल्स हैं 5000 तक, और ये बता रहा है कि 4 मल्टीपल हैं 1000 तक, तो अंतर 22-4 क्या होगा 18 होगा, तो आंसर क्या होगा 18 होगा। लेकिन अगर तुमने क्या किया, जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई सीधा इन दोनों को घटा लो, कि टोटल ऐसे 4000 नंबर्स हैं और इसको मैं 225 से डिवाइड करूंगा, तो आप कर क्या रहे हो, आप बेसिकली ये कैलकुलेशन कर बैठोगे, आपका वैल्यू इतना आ जाएगा और यहां पर आपका अंतर कितना हुआ 22-4 18, ये 17.00 आ गया, तो यहां पर मल्टीपल के गायब होने का खतरा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑर नॉट? हो सकता है ना भी गायब हो,
क्योंकि ये वैल्यू अगर 4.12 ही आती तो गायब नहीं होता, बट भैया पहले से तो पता नहीं हमको। तो यहां एक मल्टीपल के डायरेक्ट घटाने से गायब होने का भी खतरा रहता है। तो जो आंसर तुम्हारा आया 17, ये 17 ना होके हो सकता है आपका उत्तर 18 करेक्ट हो। क्लियर और नॉट येट? अब बात आई डिवीजन की, सर डिवीजन जल्दी कैसे करेंगे, तो वो सिंपल है। आप 5225 को आप 25 से डिवाइड कर लो तो ये बनेगा 9 और ये बनेगा 200/9, तो ये 22.22 होता है। आप इसको 22 लिख दो सीधे, 1000/225 आपको पता है 25 से काटोगे 25 नवैया 40, 40/9 बनेगा, वो 4 आ जाएगा सीधे, तो 18 आ जाएगा। तो आपको ये समझना है कि मुझे दोनों के इंटीजर पार्ट को निकाल के सबट्रैक्ट करना होता है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस यस और नो, बोलना है बोल दो यार, चलेगा, समझे कि नहीं? ये बात पहले से पता थी तुम लोगों को, छोटी सी बात, छोटी छोटी बातें लोगों को पता ही नहीं होती है, किताबों में सब ये सब लिखते नहीं है, पता नहीं कत्तिकड़म लगा के वहां उत्तर ला देते हैं, उत्तर से लोग खुश हो जाते हैं, बट ये माइन्यूट सी बातें हैं, इनका ख्याल नहीं रखोगे तो धोखा हो जाएगा तुमसे। हाँ जी, मैंने लोगों को देखा है सवाल कराते हुए, ऐसे बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजा मुझे, वो 5000 को सीधे घटवा देते हैं, कहते हैं ये 1000 आएगा, 4000 आएगा, और 4000 को 225 से डिवाइड करवा दिया, 17.00 कुछ कुछ आया, और बोल देते हैं 18 लगा दो, ये कौन सी बात है? उत्तर सही हो जाएगा कि 17 दिया नहीं हुआ है, 18 सही, तुम बोलोगे 17.00 कुछ कुछ आया तो 18 लगा दो, तो बच्चा ये तो सोच के जाएगा कि जब 17.00 कुछ कुछ आएगा तो मुझे 18 लगाना है, एक बढ़ा के लगाना है, ये कौन सी बात हुई? पूरी बात समझाओ ना कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों इसमें गड़बड़ी हो रही है, कैसे करना चाहिए। चलो भी 17 साल खाली करेंगे, ठीक है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मौज करो, और कल मुलाकात करते हैं। बुक बाई नहीं हो रहा, इशू आ रहा है, क्या इशू क्या आ रहा है यार बुक खरीदने में? अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो, जैसे कि बच्चा कहता है बुक बाई नहीं कर पा रहे हैं, इशू आ रहा है, मैं खुद एक बुक खरीद लेता हूँ, 15 किताबें ऑर्डर कर चुका हूँ मैं खुद ही, क्या करूं उसका? तो बच्चे बोलते बुक बाई करने में इशू आ रहा है, मैं फिर कहता हूँ बुक खरीद के देखते हैं। हाँ जी, और हमको कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, 15 किताबें खरीद ली मैंने अपनी खुद की, प्रॉब्लम क्या आ रही है बताओगे? तो मैं पूछता हूँ उनसे, टीम से। विकास जी कह रहे हैं प्रैक्टिस सीट अरिथमेटिक की प्रोवाइड कर दीजिए, कौन से टॉपिक की प्रैक्टिस सीट पेंडिंग है यार? ठीक है, मोहित जी बोल रहे हैं रेशियो का क्लास एक्सरसाइज अभी तक नहीं है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है, मैं चेक करवा लूंगा आपसे दोबारा दोबारा से क्या क्या बाकी है। क्या सीजीएल 2024 की वैकेंसी 23 से ज्यादा हो सकती है? प्लीज रिप्लाई, आई डोंट नो सर, वेरी डिफिकल्ट टू टेल एट दिस स्टेज। उनचास पचास सवाल कल करेंगे यार, कल करेंगे, अपनी बुक फ्लिपकार्ट पे भी लॉन्च कर दो, कोशिश करेंगे, वो भी करेंगे, बट अभी फ्लिपकार्ट पे वक्त लगेगा, फ्लिपकार्ट किताब जाते ही महंगी हो जाएगी, क्योंकि 399 डजंट मेक सेंस ऑन फ्लिपकार्ट, राइट? फ्लिपकार्ट अमेजॉन टेक प्लेटफॉर्म चार्जेज ऑल्सो, तो उनको भी पैसा देना पड़ता है किताब में, सो इट इंक्रीजेज द कॉस्ट। ओके, प्लीज इन्वाइट मी टू कॉल, नहीं नहीं नहीं, कॉल इनविटेशन नॉट पॉसिबल अंटिल यू टेल मी द इशू एग्जैक्टली, राइट करो चैट में, जो बात सबके सामने लिखी नहीं जा सकती वो बात कैसे की जा सकती है? ह्यूमंस डोंट वांट टू राइट बिकॉज व्हेन यू राइट यू हैव टू बी कंसाइज। मेरे पास जब भी लोग आते हैं कहते हैं हमारे पास एक आइडिया है बहुत बड़ा रमो सर, इस आइडिया पे आप क्या, आपके इनपुट्स क्या हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि फोन पे बात मत करो मुझसे, मुझे अपना आइडिया तमीज से लिख के भेज दो, वापस ही नहीं आते लोग, लोगों को लिखना पसंद ही नहीं है, बिकॉज व्हेन यू हैव टू राइट यू हैव टू समराइज, है ना, जब आपको कुछ लिखना होता है ना तो आप, आपका जो भसड़ होता है ना दिमाग का, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं, कोई ऑर्डर नहीं है, कहीं कुछ भी बोल दिया, बतकही में तो तुम महान हुई। तो एक ने मुझे कॉल किया था, मुझे याद है 1.5 साल पहले की बात है, एंड ही वाज सब ही नोन थे मेरे, मतलब तो उन्होंने कहा एक बिजनेस आइडिया है ये सर, इट्स लाइक दैट एंड बहुत बड़ा मैसिव मार्केट है, आप कुछ फंड कर दीजिए। मैं कहा ठीक है, मैं कहा राइट योर आइडिया, गिव मी अ बिजनेस प्लान फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स एंड देन आई विल इन्वेस्ट। नहीं आया वापस, क्योंकि मुझे पता था वो नहीं कर पाएंगे काम, लिख के नहीं कर पाएंगे, हवा में बात करना बहुत आसान होता है ना, ओके, यू कैन टॉक फॉर इन्फिनिटी ना, बैठो बात करो इन्फिनिटी तक बात करो, कोई उसका आउटकम नहीं है, बट वन यू हैव टू राइट देन यू आर एक्सपोज्ड बिकॉज यू कैन नॉट राइट रबिश, है ना, इसलिए लोग लिखना पसंद नहीं करते, बात करना बहुत पसंद करते हैं। तो ये चीज आगे अपनाना अपने जीवन में, मैं तो लोगों से बोलता हूँ लिख के भेजो, लिख के भेजो, इफ यू कैन नॉट राइट डाउन योर प्रॉब्लम्स राइट,
ओके, इफ यू कैनॉट राइट डाउन योर प्रॉब्लम, इफ यू कैनॉट राइट वॉट यू वॉन्ट टू आस्क मी, ओके, देन यू नीड टू समराइज, यू नीड टू समराइज, बिकॉज टाइम इज वैल्यूबल, समय वैल्यूएबल है ना, मेरा भी आपका भी, उसको आप समराइज करोगे तो आप खुद समझ आएगा कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम तुम सोच रहे हो उतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है? तो वेन एवर यू फील लाइक यू हैव प्रॉब्लम्स, राइट डाउन द प्रॉब्लम्स सो दैट यू कैन एक्चुअली नो द प्रॉब्लम. अभी तो हवा में प्रॉब्लम्स घूमती रहती है ना, ठीक है? ओके, चलिए शाम को मिलते हैं यार, 6 बजे, शाम को 6 बजे, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू.